इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश। अब हुआ है कि चलते चलते आचार्य जी के पैर में अचानक एक पत्थर आया हो, वहीं पर लगा हुआ था, उपटा लगा और उठा कर पूरी की पूरा आगे का हिस्सा घायल हो गया, यहाँ तक कि खून बहने लगा, चमड़ी निकल गई, वहां की खून की धार लग गई। अब सब हम लोग बैठे क्या करें होते, कुछ समझ में, अब जंगल में तो कहाँ कुछ है, क्या करें कैसे करें। वही एक बकरिया चरा रहा था एक व्यक्ति, देखिए आप बकरिया सुबह सुबह लेके जा रहा था, वो आया कि क्या हो गया बाबा जी, बोले कि उपट्टा, भैया उपट्टा लग गया, खून हो गया, बहुत खून निकल रहा है। 2 मिनट रुको महाराज, अब भी बताते हैं, अब भाई आपका खून बंद हो जाएगा। उसने वहीं से जो पत्थर था जो ही लगा था और वही एक छोटा सा पत्थर उठाया, अच्छे जोर से पीसा, वही दूसरे पत्थर बिल्कुल बारीक महीन, बिल्कुल बारीक महीन पत्थर पीसा और पीस करके जहां पर घाव हुआ था वहां पर उसने बारीक बारीक उसको डाल दिया, बिल्कुल सेट हो गया, खून बंद हो गया। अब आपको दवाई बताते, देखो ये कभी ऐसा हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं। वो पत्थर से ही घायल हुआ, पत्थर ही क्या बन गई। आचार्य से कहते क्या हो गया भैया, क्या कर रहे हो, बोले कि महाराज दवाई लगा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं, ये पत्थर आज यहाँ आपको लगा रहे हैं, जब निकलेगा जब पूरी अंदर से चमड़ी भर जाएगी, बस इतना एक काम करिए उसको पानी ना लगे, पानी लगने से बचा के रखना, और पानी लगे ना पके ना, बस ये आपका घाव देखते हैं 4-5 दिन तक बिल्कुल पत्थर पूरा अंगूठे में ऐसा सेट रहा, पलस्तर जैसा हो गया पूरा उतना, और धीरे 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 जब वो जैसे जैसे उसमें चमड़ी आने लगी वो झरने लगा अपने आप। आचार्य जी कहते देखो जिसने घायल किया उसी से दवा मिली। आज तक अपन सोचते थे, कभी सोचा अपन ने ऐसा, सोच करके रास्ते में पूरा रास्ता चल करके आए, आकर के यहाँ हुआ, बहुत सारे उपचार किया, बोलो कोई उपचार मत करो देखते हैं, और 2-3 दिन के भीतर देखते हैं पूरा घाव भर करके, 2-3 दिन वहां रुके वीनावारा में, और वीनावारा में ही उसका घाव पूरा भर गया जड़ करके। आचार्य के देखो ये कहलाती है, अपन आज तक समझ नहीं पाए गाँव के लोगों की दवाई। बड़े बड़े डॉक्टर अगर तुम्हारे हो तो जल्दी जाते डॉक्टर के पास, 2-5 हजार रुपया की उपचार हो जाते, दवाई हो जाते, इंजेक्शन लग जाते। यहाँ प्रकृति के उसी चीज में ना पैसा लगो, वही दवाई थी उसी में सब कुछ था, ठीक हो गया। ये भी चीज है प्रकृति की, समझने की जरूरत तत्काल में। ये ऐसी एक बार और ऐसा ही प्रसंग हुआ, बिहार हो रहा था, कहां से पायकर कुंडलपुर से बौरीबंद की ओर रास्ते में जा रहे थे। देखिए मतलब की बात है, जाते जाते एक जगह एक झाड़ी आचार्य से जंगल गए, और जंगल में हम लोग भी साथ में, तो एक महाराज को झाड़ी में से, अब वो उन्हें देखा नहीं, झाड़ी की लकड़ी बाहर निकली थी, वो आई और सीधे हाथ में इधर लगी और उनको ऐसा काट दिया पूरा, अच्छा घाव बन गया झाड़ी का, वो लग गया, कट गया, खून बह रहा था, क्या करें।
तभी वहीं पर एक व्यक्ति गांव का व्यक्ति था। महाराज क्या हो गया? घाव लग गया। अच्छा दूसरे तो आप, उसने जैसे गया, दो मिनट रुको, वहीं उसने पत्ती देखी, उसमें पीले से फूल लगे थे हल्के हल्के। वो गया तोड़ के लाया और तोड़ करके उसने हाथ में ऐसी मनी, वो पत्ती को उसने दो तीन बार ऐसा किया, खून बंद हो गया। महाराज बस देखियो कल तक आपको पूरा घाव भर को भर जाएगा। खून बंद हो गया। और एक और फिर बाद में रिसर्च करके बताया लोगों ने, प्रायः कर जितने भी फूल पीले होते हैं जिन पेड़ों के, वो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक होते हैं। वे एंटीबायोटिक कैसे होते हैं और आपके लिए, घाव के लिए और इस प्रकार की बीमारी किसी प्रकार हो, वे घाव भरने वाले होते हैं। अधिकतर सबके साथ लागू मत करना, अधिकतर की बात कर रहे हैं। तो ये प्रकृति की, इनकी पहचान करने वाले लोग जो, उन्होंने देखा और देख करके उनको पता है, गांव के लोग सब जानने वाले होते हैं। तो पहले के लोग, आज है एलोपैथी तुम्हारा जमाना, पहले के लोग कैसे उपचार करते थे? यही तो था, जाते थे कोई बीमार होते जंगल से, पत्ती या जो लाते थे वही दवाई कर देते थे, उनको ठीक हो जाते थे। आयुर्वेदिक दवाई ऐसे ही है, बस वही है उपचार से। देखो वही है, मरहम मरहम बने ये शब्द लिखा गया। फिर कितने गए लहूलुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका? होता भी कैसे? पापी पाषाण से। उपचार का विचार भर उभरा इसमें आज, उभरा इसमें आज, यह भी सुभगता का संकेत है। इसे आगे पद बढ़ाना संभव नहीं है, इससे आगे पद बढ़ाना संभव नहीं है। प्रभु यही प्रार्थना है, पतित पापी की भी इस जीवन में ना सही, अगले पर्याय में हो में तो इस जीवन में ना सही, पर अगली पर्याय में तो मर हम, अच्छे सुना, मर हम बने, मर करके हम पापी जीव की भी हो, कितना भी कठोर हो, किसा भी हो, कम से कम उनके लिए बन सके तो क्या बने? मलहम, यानी मरहम से थे मलम, जैसे किसी के घाव पे मरहम लगा देते हैं ना तो उसका घाव भर जाता है, वैसे कितने भी पापी जीव क्यों ना हो, भगवान मैं तो अंगली पर्याय में इस जीवन में ना सही, पर अंगली पर्याय में तो मरहम बने, ऐसा मरहम जैसा जीवन बने। इस प्रकार एक दूसरी कविता हो गई। अब और एक कविता और लिखी जा रही है, अभी कितनी होती जा रही? पहली कविता क्या थी? कर पर कर दो। दूसरा कविता लिखी गई मरहम बने। अब तीसरी कविता के शब्द आ रहे हैं, चार अक्षरों की एक और कविता। कितने अक्षरों की? चार अक्षरों की। देखो ये चार शब्द थे, अब चार अक्षर वाली कविता लिखी जा रही है। चार अक्षर वाली कविता सुनो। मैं दो गला। अब कोई तुम कह दो किसी से, कितना अर्थ है? महाराज ये तो कविता अच्छी, वो कोई पढ़ेगा तो लोग हंसेंगे, अपने आप को कोई कहेगा मैं दो गला? ये कविता लिखी,
इससे पहला भाव यह निकला है कि मैं द्विभाषी हूं। क्या हूं मैं? द्विभाषी हूं, भीतर से कुछ बोलता हूं, भीतर से कुछ बोलता हूं, बाहर से कुछ और पै में विष घोलता हूं, पै में विष, पैसे यहाँ पर पेय भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, पीने योग्य पदार्थ भी है। मैं क्या करता हूं? ये दशा है, मैं दो भाषी हूं, भीतर से कुछ बोलता हूं, बाहर से कुछ और पै में विष घोलता हूं। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है। ये तो एक सामान्य बात हो गई, मैं दो गला। अब इसका दूसरा अर्थ भी देखो। दूसरा अर्थ क्या है? मैं दो गला अर्थात छली, दूध माया भी हूं। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूं। यो इस कटु सत्य को सब हितेशी तुम भी स्वीकारो। अपना हक किस में है? स्वीकार करो। मैं ऐसा करता हूं, अपने आप को पापी कहना, मायावी कहना, दुरात्मा कहना, दुष्ट कहना, ये ज्ञानी जन ही कह सकता है। दूसरों को कहना बहुत आसान है, तुम तो पापी है, मायाचारी है, कपटी है, कितनी जल्दी कह देते हैं। दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को कहना बहुत कठिन काम है। मैं दो गला छली माया भी अज्ञानी मान के कारण ही सदम को छुपाता आया हूँ। यो इस कटु सत्य को सब हित सी तुम भी स्वीकारो। अपना हित किस में है? इसी में है, अपने आप को यह सब कहने में है। और तीसरा भाव क्या था इसका? और सुनो, दो भाव हो गए, तीसरा भाव सुनो। तीसरा भाव क्या है? पूछने की क्या आवश्यकता है? वह सब सब विभाव विकारों की जड़ अगर कोई है तो मैं। सब विभाव विकारों की जड़ मैं यानी अहम, मैं यानी अहम को दो गला अर्थ हो गया। मैं को दो गला, इसलिए बस अहम को दो गला यानी समाप्त कर दो। ये अर्थ अच्छा लगा सबको, मैं दो गला। है ना, मैं को शब्द और लगा लेना, अभी तो मैं दो और छोड़ करके फिर कह दो अपने मैं को दो गला। अगर तुमने गला दिया तो क्या हो गया बताओ? मैं को गलाने वाला बहुत बड़ा काम है। मैं दो गला, मैं दो गला, अब देख लिए, मैं दो गला, तीन अर्थ हो गए। मैं दो गला, मैं दो चेहरे वाला हूं, बोलता कुछ हूं, जो सोचता हूं वो बोलता नहीं है, जो बोलता हूं वो सोचता नहीं, यानी मायावी छली कपटी। और दूसरा, मैं दो गला, जो बोलता हूं वो सही नहीं है, जो बोलता हूं ऐसा इस प्रकार करते छदम विष घोलता हूं, बाहर कुछ भीतर कुछ। एक ये है मैं दो गला कर, और दो गला वाला
छले कपटी धूर्त, ये दो गला है। और तीसरा अर्थ है मैं यानी अहम, दो गला। अपने अहम को जल्दी जल्दी क्या कर दो, गला दो। कैसे गला दें, पर आज इसी के लिए तो सब कुछ है। संसार में अगर इस संसारी आदमी अगर इसको छोड़ दे तो समझ लेना सबसे बड़ी चीज उसको प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। शुरू शुरू में मैं संघ से निकला था, भोपाल में था, और उस समय एक बहुत अच्छा चिंतक और साहित्यकार थे, उन्होंने वो प्रवचन में बैठे, प्रवचन में बैठ करके उन्होंने सुना, महाराज आपकी शैली बहुत अच्छी है। बोले कि आप बहुत अच्छा बोलते, पहले आप देखो कहने की तरीके। पहले उन्होंने क्या की, प्रशंसा। तो मैंने कहा आप लगता है प्रशंसा कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है। मैंने भी उनको ट्वेंट कस दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आप तो प्रशंसा मत करो, आप तो ये बताओ कि आज आपने हमारे प्रवचन से क्या सीखा, आज आपको कुछ मिला। बोले कि बस सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा एक सुधार करना है। क्या सुधार करना है, जहां आपका ये आता है ना कि मैं ऐसा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर रहा है, उसकी जगह अपन को थोड़ा सा मैं की जगह हमने ऐसा सुना, हमें ऐसा सुनने में आया, हमें ऐसा, हमने ऐसा विचार किया। कितना अंतर हो गया, मैं ऐसा विचार करता हूं। बोले कि ये थोड़ा अच्छा नहीं, मैं रूखापन लगता है और हम में रूखापन नहीं, मृदुता जलती है। मुझे वो विचार बहुत अच्छा लगा, उसका वास्तव में सही लगा कि देखिए कभी कभार छोटी छोटी बोलचाल की भाषा में अपन ऐसी रूखी भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं। मैं रूखापन दबता है, और जब हम कहते हैं, हम सब कहते हैं, तो समय अपनापन दिखाई देता है। इसलिए बोलचाल में मैं नहीं, क्या होना चाहिए, हम होना चाहिए। इसलिए आज का आचार्य सिंह मैं दो गला। अब मैं को हमें क्या करना है, गलाना है। और वो कैसे गलेगा, बस अपने आप को दो गला ना हो, छल कपट के परिणाम ना हो, हम इनसे परे हो करके और अपने आप को समझने का प्रयास करें। इसलिए अपने अहम, अपने मम, अपने सबको छोड़ छाड़ करके निश्चिंत हो करके रहने वाला ही ज्ञानी है। आज के इस मुखमाटी का सार यही है कि घड़े पर लिखा जा रहा है, संकेत हम सबको मिल रहे हैं। अभी तो घड़ा बन करके तैयार हुआ है, सूखा है, रचना हो रही है, और भी अभी बात है, आप सबको मिलेंगी। आज का समय अपना पूरा हुआ। मुझे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश।